तो स्वागत है दोस्तों नॉलेज एबीसी में। हम लोग क्लास 9 साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के सरफेस से ऊपर या अर्थ के सरफेस से नीचे में क्या इसका वैल्यू में वेरिएशन आता है, इसको हम लोग इस वीडियो में जानने वाले। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका वेरिएशन कैसे होता है, ये क्या वेरी करता है। हाँ, ये बिल्कुल वेरी करता है। तो कैसे वेरी करता है, तो सबसे पहले अर्थ का हम लोग सरफेस जो होता है, अर्थ का जो शेप है उसको हम लोग समझते हैं। तो अर्थ के सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ी सी चपटी है और अर्थ का जो इक्वेटर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बल्जी है, मतलब कि थोड़ा उभरा हुआ है। तो इससे होगा ये कि अगर हम लोग पोल से अर्थ के सेंटर का अगर हम लोग डिस्टेंस नापेंगे और वहीं अगर इक्वेटर से अर्थ के सेंटर का हम लोग अगर डिस्टेंस नापते हैं तो वहां पे वेरी कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की पोल जो चपटी है तो वहां से नापेंगे तो थोड़ा सा कम उसका रेडियस आएगा और इक्वेटर से अगर नापेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा और ये डिफरेंस लगभग 46 किलोमीटर की हो जाती है। तो होगा ये कि जो अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ को हम खींचता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अगर खींचता है तो वो उसके सेंटर ऑफ मास मतलब कि अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस लिया जाता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस चेंज करेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम जो यहाँ पे है वो मास ऑफ द अर्थ है और उसके बाद जो यहाँ पे जो आर है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। ओके, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी स्मॉल जी, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये खत्म हो गया बात। मास ऑफ द अर्थ पे, मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे तो चेंज हो ही नहीं रहा तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ डिस्टेंस वेरी कर रहा है। अगर डिस्टेंस यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर डिस्टेंस का मान बढ़ेगा, मतलब रेडियस अगर हम लोग थोड़ा अर्थ के सेंटर से दूर जाएंगे, ठीक है, तो आर का वैल्यू बढ़ने से स्मॉल जी का वैल्यू कम हो जाएगा और वही आर का वैल्यू अगर कम होता है तो स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे अर्थ का सेंटर मान लेते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग पोल पे खड़े हैं तो यहां से इसका जो डिस्टेंस है और इक्वेटर पे अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा वहां से अगर इसका डिस्टेंस नापेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है आर ये कम होगा पोल वाला डिस्टेंस को, क्योंकि अर्थ चपटी है पोल से। तो आर का जो वैल्यू पोल पे कम हो रहा है तो आर का वैल्यू कम होने से स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पोल्स पे ज्यादा होगा और इक्वेटर पे उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। इसीलिए पोल्स पे अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.83 मीटर पर सेकंड आ जाता है, जबकि एवरेज हम लोग 9.8 लेते हैं। ओके, ठीक है ना, ये तो पता है आपको, पिछली वीडियो में बता चुका है पूरा डिराइव करके इसका। उसके बाद अगर हम लोग इक्वेटर की बात करें तो वहां थोड़ा सा बल्जी है, मतलब कि रेडियस वहां पे सेंटर से थोड़ा सा ज्यादा दूर है। अब रेडियस बढ़ जाने के कारण स्मॉल जी का वैल्यू कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू हमको कम मिलता है। तो इसीलिए पोल्स पे वैल्यू ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और अगर हम लोग बात करते हैं इक्वेटर की तो वहां पे वैल्यू कम आएगा। अगर हम लोग पोल से मूव करते हुए अगर हम लोग पोल्स पे है, ठीक है, अगर हम पोल से मूव करते हुए धीरे धीरे इक्वेटर के तरफ आएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में धीरे 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 वो कम होते जाएगा, ये भी वेरिएशन होगा। क्योंकि अगर यहां से अगर डायरेक्ट देखें तो अचानक से तो चेंज हो नहीं रहा, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर जो जाएंगे तो हमें जो वैल्यू है वो 9.83 से फिर 8.2 होगा, 8.1 होगा, 9.8 होगा, फिर और कम होते होते 9.7 हो जाएगा। फिर वापस यहां से अगर हम लोग पोल पे जाएंगे, हम सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस पे चलते हुए अगर पोल की तरफ जाएंगे तो ये फिर वापस से धीरे 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 बढ़ते हुए जाएगा पोल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस का यही फिनोमेना होता है, इक्वेटर पे कम होगा पोल्स पे ज्यादा होगा। क्यों कम होगा ये आपको रीजन मैंने समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, यहाँ पे अभी सरफेस पे थे, अब हम लोग चलते हैं अर्थ के सरफेस से ऊपर में अगर हम लोग चले जाएंगे तो क्या होगा, मतलब कि कुछ मीटर्स ऊपर, कुछ किलोमीटर ऊपर, जैसे कि माउंटेन पे चढ़ गए, ठीक है, 7-8 किलोमीटर हाइट पे चले गए, ठीक है। उसके बाद किसी अगर हम लोग एरोप्लेन पे चले जाते हैं, 10 किलोमीटर हाइट पे चले जाते हैं, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या चेंजेस आएगा वो हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। फिर से हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं, जब भी अगर इस कंसेप्ट को भूल जाए तो फॉर्मूला का ध्यान रखिएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पे जो एम है ये मास ऑफ द अर्थ है, ऑब्जेक्ट के मास पे था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी नहीं करता, और जो आर है वो डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे इनवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, मास ऑफ द अर्थ है वो भी कांस्टेंट होगा, फिर से वेरी कर रहा है रेडियस।
अगर हम लोग हाइट बढ़ाएंगे तो आर का वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर चलेगा यहाँ पे, अब यहाँ से सेंटर का नापेंगे तो जो सरफेस है उससे तो ज्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पूरा डिस्टेंस हम लोग लेंगे आर का वैल्यू, तो ये ज्यादा हो जाने के कारण, आर का वैल्यू बढ़ जाने के कारण जी का वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग सरफेस से ऊपर चले जाएंगे तो हमें जी का मान कम हो जाएगा, 9.8 से वैल्यू थोड़ा कम आने लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगी। ओके, वही अगर हम लोग अब बात करते हैं बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो अगर सेम कंसेप्ट अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कैसे? अगर हम लोग सेम कंसेप्ट लगाते हैं तो रेडियस यहाँ पे कम, जैसे अर्थ है पूरा, अर्थ के सेंटर में थोड़ा सा सरफेस से नीचे चलेगा, 10 किलोमीटर अगर गड्ढे खोद के हम नीचे चलेगा, टनल बना के नीचे चलेगा, तो वहां पे क्या होगा, रेडियस कम हो रहा है, रेडियस कम होने के कारण जी का वैल्यू तो बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे हम लोग सरफेस से ऊपर गए थे तो आर का वैल्यू बढ़ा था, आर का वैल्यू बढ़ने से जी का वैल्यू कम हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है। वैसे ही अगर सरफेस से नीचे की ओर आते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू आर का वैल्यू कम हो जाने के कारण जी बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन जी बढ़ता नहीं है, उल्टा घट जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि यह पूरा अर्थ है, अर्थ के सरफेस के अगर हम लोग थोड़ा अंदर चल गए तो उस जहां पे पहुंचे, जिस पॉइंट पे हम लोग पहुंचे हैं वहां से, ठीक है, वहां से सेंटर का दूरी लिया आएगा और उसके ऊपर का जो मास है वो काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे इफेक्टिव मास कम हो जा रहा है। मतलब कि जो अर्थ हमें खींचेगी वो सेंटर से खींचती है, और थोड़ा अगर हम लोग नीचे आ गए तो हमारे जहां पे जिस पॉइंट में है वहां से सेंटर तक का जितना मास है अर्थ का वो हमें अट्रैक्ट करेगा। अब इसको फिगर में भी यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि पूरा अर्थ है, इसके सरफेस से हम लोग थोड़ा सा नीचे चले गए, मान लीजिए तो यहाँ पे चले गए और सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, तो पहले क्या कर रहा था, जब सेंटर पे थे, जब हम लोग सरफेस पे थे तो पूरा अर्थ का मास हमें अट्रैक्ट कर रहा था। ओके, जो अर्थ का मास का वैल्यू होता वो हम लोग लिखते थे फॉर्मूला में यहाँ पे एम का वैल्यू, लेकिन अब लोग हम यहाँ पे चले गए तो अब कितना मास अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ इतना वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये उस काउंट नहीं होगा, इसी कारण इफेक्टिव मास का यहाँ कंसेप्ट आएगा। मतलब कि पूरा मास नहीं लगेगा, जिस पोजीशन पे आ गए वहां से अगर हम स्फीयर बना दे, वहां से अगर हम अर्थ को देखें तो वहां से जितना अर्थ हमें रहेगा, वो हमारे नीचे जितना अर्थ रहेगा वो हमें अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर से रिपीट करके देख लीजिए। यहां से जो डिस्टेंस है, अब ये जो आर डैश आ गया, ठीक है, पूरा डिस्टेंस रेडियस कितना था, आर था, ठीक है, अब यहाँ पे आर डैश इफेक्टिव जो रेडियस आ रहा है, ठीक है, ये लेंगे, यहाँ पे मास भी तो यहाँ पे कम हो जा रहा है, तो मास का वैल्यू टोटल कम हो जाने के कारण यहाँ पे जी का वैल्यू घट जाएगा। मास कम तो जी का वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस में तो कोई खास फर्क नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मास का बहुत ज्यादा फर्क आने लगेगा, मास कम होने के कारण यहाँ पे जी का वैल्यू भी घटने लगेगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, इट इज ड्यू टू जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण अगर मास कमता है तो यहाँ पे जी का वैल्यू भी कम हो जाएगा, इसलिए अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी जी का वैल्यू कम होगा, अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी जी का वैल्यू कम होगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में।